पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी फौजों के विचकार हुई हिंसक झड़प के बाद अमरीका स्थिति के नेड़े नज़र रख रहा है और उम्मीद करता है कि विवाद को शांतिपूर्ण ढंग के नाल हल कर लिया जाएगा। यह अमरीकी अधिकारी ने जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के एक बुलारे ने कहा है कि असली कंट्रोल रेखा LAC से भारत और चीन की फौज विचकार हालात से असी नेड़े नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने कहा कि उसके 20 फौजी मारे गए हैं, असी उन्होंने रिश्तेदारों के प्रति हमदर्दी प्रकट करते हैं। बुलारे ने कहा कि भारत और चीन दोवें ही देश तनाव घट करने की इच्छा प्रकट करते हैं, अमरीका वर्तमान हालात के शांतिपूर्ण हल का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचकार 2 जून 2020 फोन पर हुई गलबात दौरान दोहां नेतावान ने भारत और चीन सरहद के हालात पर चर्चा की। जिक्रयोग है कि सोमवार को रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी फौजियों से हिंसक झड़प में भारतीय फौज के एक कर्नल सने 20 फौजी शहीद हो गए। पिछले 5 दहाकों तो भी ज़्यादा समय में हुए इस सब तो वड्डे फौजी टकराव के कारण खेत्र में सरहद से पहले तो जारी गतिरोध होर भड़क गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाजकम TV।